तो कैसे हो? अच्छे होंगे। अभी मैंने हेलमेट वगैरह पहन रखा, मतलब समझ गए होंगे कहीं की राइड में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं निकला, आप सब लोग अच्छे होंगे और ये जो ब्लॉग आप देखने वाले हो ये मेरी इनकम्प्लीट ट्रिप है जो मेरे साथ उस दिन हुआ। तो मैं आपको ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ, कब भी आप ट्रिप पे आ रहे हो तो अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। तो मेरा जो है ना इस ब्लॉग में जो आगे देखोगे फोन टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? मैं जब किंटामनी पहुँचने वाला रहता हूँ उदुर से 50 किलोमीटर्स आगे, तो मैंने जो स्कूटी रेंट पर ली थी तो मैंने मोबाइल अपना गूगल मैप के कारण सीट पर रखा था, तो रोड ख़राब होने पे वो गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई तो मोबाइल पूरा बंद हो गया। तो अब 50 किलोमीटर्स आगे आ गया, मुझे रोड का कुछ पता नहीं था। तो अब यहाँ पे इंडोनेशियन लोकल्स ने इतनी मदद करी, मतलब मैं रिटर्न में आया, शाम भी हो रही थी, तो मैं किंटामनी मैंने ड्रॉप कर दिया विजिट करना। पहले फ़ोन ज़रूरी था क्योंकि उसके बिना तो ट्रिप बिल्कुल ख़त्म सी थी। तो मैं वापस आया तो वहाँ के लोकल्स ने, मतलब किंटामनी में भी लोकल्स ने और जितने भी मुझे रास्ते मिले इतने लोकल्स ने मदद करी, मतलब किसी से भी एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने मेरी हेल्प नहीं करी। तो मैंने क्या करा, मैं रुकता गया, थोड़ी देर आगे चला जैसे 5-6 किलोमीटर और फिर किससे पूछ रहा, तो बुट का रास्ता अपने हॉस्टल का मैप निकाल के उनके मोबाइल में देख के किसी तरह मैं हॉस्टल में पहुँचा। और उसके बाद हॉस्टल के जो बंदा था अपना केमीमाई हॉस्टल में मैं रुका था उबुट में, तो वो जो ओनर थे उनने इतनी मदद करी, मतलब वही स्टोर पर ले गए मुझे, MI का स्टोर मिल गया यहाँ पे उबुट में और $50 लगे मेरे, मतलब 3,500 रुपये 3,500-4,000 रुपये, लेकिन मेरा काम हो गया, मेरा मोबाइल बन गया। तो इस व्लॉग में आप वही सब देखोगे, मेरी उबुट की जर्नी स्टार्ट होती है और फिर फ़ोन ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद जो फ़ोन बनता है नेक्स्ट डे उसका मैंने ब्लॉग शूट कराया, तो वो स्टोर का भी इसमें एड्रेस वगैरह है। तो आप देखो, और ऐसी सिचुएशन कभी आ जाए तो घबराने का नहीं, ठीक है? और लोकल्स बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे, ठीक है? तो बस वो सब हेल्प करेंगे और आराम से कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्योंकि आ सकती है। तो हमेशा 2 मोबाइल लेके आओ, मैंने गलती कर दी, मैं एक ही मोबाइल लेकर आया इस बार। तो बस यही था, तो देखो लोग किंटामनी वोल्केनो देखने, और मैंने रेंट पे ले ली स्कूटी कहाँ से, जहाँ मैंने हॉस्टल आपको बताया था किमामाई, उसी हॉस्टल में मुझे मिल गई। वो भाई अच्छा है स्टाफ जो है, तो उन्होंने 60,000, मतलब अराउंड आप मान के चलो कि 350 रुपये इंडियन में फ्यूल टैंक के साथ मिल गई है, मतलब फ्यूल अपने को भराना पड़ेगा, वो फ्यूल पूरा फिल करके दे देते हैं और जब आप वापस आओगे तो आप फ्यूल करके उनको दे। 24 आवर्स के लिए स्कूटी मिल गई है, जैसे आप यहाँ पे बाली आओगे तो आप वो ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे सब पास में। अब किंटामनी जो है उबुट से टोटल 45 किलोमीटर से, ठीक है? तो आप स्कूटी ले लो और यहाँ पे 2-3 चीज़ों आप कवर कर सकते हो। तो यही मैं चलता हूँ और बताता हूँ, और अभी स्टार्ट करती है राइड, 5-6 किलोमीटर आ गया हूँ आगे, और जो भी मिलता है रास्ते में मजे करते हुए चलेंगे, देखते चलो मेरे साथ और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है लोग। तो जब आप किंटामनी जा रहे हो वोल्केनो तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस टिकट देना पड़ेगा, ठीक है? ये गेट आएगा यहाँ पे, ठीक है? ये 50,000 बोल रहे हैं, मतलब डॉलर्स में हो गया ये $3-4, ठीक है? तो ये आप दो और आप जा सकते हो वोल्केनो, और 2-3 यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड है। तो चलते हैं आगे और बताता हूँ आपको कैसा क्या रहता है, ठीक है? जय हिंद। तो भाई कल का दिन बहुत एडवेंचरस रहा, मेरा मोबाइल गया, पूरा ख़त्म हो गया। तो मुझे जो हॉस्टल के मेरे हॉस्टल के जो ओनर है बहुत हेल्पफुल, वो बंदे जो बैठे हैं भाई, उन्होंने बहुत हेल्प करा और फाइनली मेरा फ़ोन लग गया। हालांकि $50 लग गए USD, बट बहुत अच्छा काम हो गया। फ़ोन ख़त्म हो गया मतलब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है किसी भी ट्रिप पर, और मैं एक ही ले गया था इस बार। सो दिस इज़ द शॉप, दिस इज़ MI स्टोर। व्हाट्स द एड्रेस? Ubud, you can find this store, MI store, और यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। तो अगर ऐसे कोई भी सिचुएशन हो जाए, इसकी पूरी कहानी मैं बताऊँगा। तो बाकी अपना फ़ोन रेडी हो गया, तो फिर से अपन स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रिप। जय हिंद।